हेलो फ्रेंड्स, भुवनेश माथुर आरएएस चैनल पर आपका स्वागत है। वेलकम ऑन भुवनेश माथुर आरएएस चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड बात बताने वाला हूँ, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। आप कहते होंगे अमुक लीडर बहुत अच्छे हैं, एक्स वाई जेड बहुत अच्छे हैं। आरएएस मेन मैनेजमेंट में हमारे लिए लीडर का मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक नेता नहीं है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं बात। दूसरा, मैनेजमेंट में लीडरशिप पर बहुत ज्यादा काम हुआ है, उनका हम सिर्फ एक समरी भर कर सकते हैं, 20 मार्क्स का हमारा मैनेजमेंट है। आइए चलते हैं इस जर्नी में। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, मैनेजमेंट को हम इतना कम समय हमारे पास है 20 मार्क्स के लिए, हमको समझना पड़ेगा कैसे कि डिसाइड टू डिसाइड, निर्णय लेने का निर्णय करना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। मेरी समझ में बात यह आती है, आप जो बातें मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी तरह ध्यान से सुनिए, उनको अपने मेंस राइटिंग जब आप लिख रहे हैं आंसर, तब उसको जरूर यूज कीजिए। आप ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आप मैं आपको एक प्रॉमिस कर सकता हूँ कि आपके बहुत अच्छी क्वालिटी के आंसर्स हाथ से आपके निकलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थ्योरीज ऑफ लीडरशिप बहुत सारी है। देखिए, मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ज्यादा पुराना नहीं है, कहते तो यही है, लेकिन वैसे ये भी कुछ राइटर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट सदियों से होता आ रहा है। आज हर छोटी बड़ी चीज का मैनेजमेंट हम करते हैं, उसमें लीडर्स की जरूरत होती है, आवश्यकता, जो कि मौके के अनुसार निर्णय ले। तो हम आज ये थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें फ्यूचर को देख के निर्णय ले कि अगर आकस्मिक एमरजेंसी हो गई कोई कहीं पर भी, उसके अकॉर्डिंग क्या निर्णय लेना है। तो ये सारी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है, बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट के भी राइटर्स हैं, बीच बीच में उनका मैं उल्लेख करूंगा, आप ध्यान से सुनिए प्लीज। ट्रेडिशनल थ्योरी की पहले बात करते हैं, उसमें क्या थॉमस कार्लाइल नाम के एक मैनेजर, बहुत बड़े मैनेजमेंट के राइटर हुए, बात करते हैं। और ये बात सही भी है कि नेता जन्म लेते हैं, नेता बनाए नहीं जाते, ये इनका कहना था थॉमस कार्लाइल सर का। कि क्या क्या कहा इन्होंने, नेता जन्म लेते हैं, नेता बनाए नहीं जा सकते। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है कि कोई बन के बहुत अच्छा लीडर बन जाए। और कई बार ये भी बात चलती है कि जो बड़े बड़े कंपनीज के लीडर्स हैं उतने तो पढ़े लिखे ही नहीं है, बहुत से तो स्कूल ही नहीं गए थे, बहुत सौ ने डिग्री पूरी नहीं की थी, बहुत सौ ने बीए बीएससी बीकॉम भी नहीं किया था, एमबीए तो बहुत आगे की बात हो गई, फिर वो सक्सेसफुल कैसे हुए। तो ग्लोबली ये बात फैक्ट है। चलिए, तो इस थ्योरी का नाम थॉमस कार्लाइल ने क्या रखा, द ग्रेट मैन थ्योरी। नेता वही माना जाता है यहां पे लीडर। मैं दोबारा आपको एक सख्त ताकीद करूंगा, वार्निंग, बिल्कुल भी पॉलिटिकल लीडर के बारे में नहीं सोचे, मैनेजमेंट बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है, प्लीज फॉर गॉड सेक। वो एक ग्रेट आदमी होता है जो भी लीडर कंपनी को चला रहा है, मैं दोबारा बोलता हूं, जो भी लीडर फर्म के लिए सोच रहा है, दिमाग से सोचकर प्रोडक्शन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स का मैनेज कर रहा है, फाइनेंस को मैनेज कर रहा है, एंटरप्रेन्योर है खुद एक तरह से, तो वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, ये मानता है हमारा मैनेजमेंट। आगे देखते हैं ट्रेट थ्योरी, जैसे उस वैल्यू, उस व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, ट्रेट्स, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स क्या क्या है। जैसे कभी गुस्सा ही नहीं आता, बहुत क्विक और सटीक निर्णय लेते हैं, कंपनी ये डूब रही थी, इसको कहां से कहां ये लेके आ गए, इस इनकी प्रेजेंस में इस कंपनी ने बहुत आसमान की बुलंदियों को टच किया है, तो इस तरह से बात होती है। गुणमूलक सिद्धांत, ट्रेड थ्योरी सेकंड की हम बात कर रहे हैं, चेस्टर बर्नार्ड ने दी है, टीड व मिलेट और टेरी ने मिलकर ये थ्योरी निकाली थी। इसमें क्या माना जाता है, हमने पहले कौन सी डिस्कस की, थॉमस कार्लाइल की, कि नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते। देन सेकंड थ्योरी क्या मानती है, सेकंड थ्योरी का क्या नाम है, गुणमूलक सिद्धांत, पर्सनैलिटी ट्रेड थ्योरी कह सकते हैं, या कुछ राइटर ट्रेड थ्योरी भी कहते हैं, आप जो भी अच्छा लगे यूज करें। इसमें क्या होता है, कुशल नेतृत्व के व्यक्तित्व संबंधी गुणों पर निर्भर करता है, जो कुशल व्यक्ति है, कुशल तो है, स्किल्ड है, उसका लीडरशिप उस कंपनी पर कैसे असर डालता है। व्यक्ति संबंधी गुण, उस व्यक्ति के एक्स वाई जेड जो भी व्यक्ति है उसकी खुद की क्या क्वालिटी है। मैंने मान लिया कि बहुत बढ़िया, उन्होंने पीएचडी की है मैनेजमेंट में, पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है बात बात पे,
तो कंपनी के दूसरे कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अंडर प्रेशर भी रहते हैं कई लोग, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये पर्सनैलिटी होगी, गुणमूलक व्यक्ति के खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसी है, आईक्यू कैसा है, ये सारा देखा जाता है। तो इन सब गुणों का अध्ययन जो है बहुत सिस्टम से किया जाता है। व्यवहारवादी विचारधारा, ये थर्ड नर्स, इसमें हम दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। आइए, ये किसने दी हमको, ओहियो यूनिवर्सिटी, फ्लैशमैन, हैरिस और बर्न, ये तीन राइटर्स ने दिया। इनके अनुसार क्या है, संरचनात्मक पहल करने वाला, यानी कोई भी कंपनी में क्रिएटिविटी से काम करने वाला। देखिए, बहुत सारे मोबाइल सेल हो रहे हैं, क्रिएटिविटी उसमें कुछ कर दी आपने तो आपकी कंपनी का भी बिकेगा। ऐसा दिमाग से सोच के कि पब्लिक की डिमांड ये है, मैं ये मार्केट में देऊँ पब्लिक को, तो ज़्यादा सेल बढ़ेगी कंपनी की, प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी का साइज बड़ा होगा, कंपनी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट देगी, सोसाइटी के लिए फायदेमंद होगी, सोशल वेलफेयर भी आप कर सकते हो। मैं कहना चाहता हूँ कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा सकते हैं, जो समाज से ले रहे हैं समाज को कंपनियां वापस भी लौटा सकती हैं। अब इस थ्योरी की बात करते हैं, व्यवहारवादी विचारधारा, यानी प्रैक्टिकल स्टोरी है ये। इसके इसमें क्या होता है, नेता व अन्य जो उसके फॉलोअर हैं, ये उनके बीच में बहुत ध्यान रखते हैं, उसकी स्टडी की जाती है इस थ्योरी में। और जो क्रिएटिव होता है वो कैसा करता है, वो क्या सोचते हैं, इसमें नेता क्रिएटिविटी में ध्यान देते हैं कि कैसे मैं बढ़िया पेन मार्केट में उतारूं, लॉन्च करूं, कैसे मैं बढ़िया जैकेट लॉन्च करूं, कैसे मोबाइल, अभी पब्लिक को क्या चाहिए, अभी पब्लिक को घर पर खाने की सप्लाई चाहिए, अभी पब्लिक को टैक्सी चाहिए, तो मोबाइल पर ही टैक्सी मैं कैसे अरेंज करवा सकता हूं। तो ये किसी ने सोचा, समबडी थॉट ओवर दिस एंड दे गेव अस कंपनीज लाइक ओला, लाइक स्विगी, लाइक जोमैटो, ऐसी कंपनीज आ गई मार्केट में। बार बार बैंक जाने से बच गए, ऐसी कंपनीज आ गई कि आप अपने मोबाइल पे ही आज कैश का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बिना कहीं आए जाए, 24 घंटे, सातों दिन। तो व्हाट इज दिस, ये क्रिएटिविटी है, किसी ने सोचा कि जरूरत तो ये है, आने जाने में हमारा एटीएम तक बहुत टाइम जाता है। इस थ्योरी में क्या होता है, नेता जो है क्रिएटिविटी पर बहुत ध्यान देते हैं और अपने फॉलोअर्स यानी जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनके बीच में भी डिवीजन ऑफ वर्क बहुत तरकीब से किया जाता है ताकि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स फुलफिल हो जाए। तो क्रिएटिव लीडर्स ये सोचते हैं क्रिएटिविटी से काम हो, मिनिमल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, मैक्सिमम लोगों को फायदा हो। अब हम दूसरी बात करते हैं इसी थ्योरी में, ओहियो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ की प्रैक्टिकल जो थॉट प्रोसेस है वो क्या कहते हैं, विचार करने वालों के नेतृत्व कैसा होता है, के फॉलोअर्स के साथ वो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज यानी मानवतावादी यानी इंसानियत वाला व्यवहार समझता है, केवल मशीन नहीं समझा जाता यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स को। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कह दिया वही तुम्हें करना है, नहीं, आपकी भी क्रिएटिविटी है, भले ही आप उस कंपनी में कोई भी लेवल पर काम कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि सर मेरा ये मानना है कि इस काम को ऐसे करें तो शायद अच्छा होगा, तो सुनेंगे आपकी बात को। तो ये कौन सी व्यवहारवादी विचारधारा है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इस व्यवहारवादी विचारधारा में सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत फास्ट होता है, कह सकते हैं एक दूसरे की बात। तो ये सारा फीडबैक इसमें अपने को लिखना है। और यहां पे जो नेता है, लीडर है, मैनेजर कहूंगा मैं, लीडर की जगह मैनेजर वर्ड यूज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वी आर स्टडिंग मैनेजमेंट, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आरएएस मैनेजमेंट का ये वीडियो है, भुवनेश माथुर आरएएस ये चैनल का नाम है, ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैं और भी सब्जेक्ट्स के आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, लाइक इंग्लिश 80 मार्क्स का है आपके, पॉलिटिकल साइंस है, मैनेजमेंट के वीडियो आपके पास आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान एंड इंडियन इकोनॉमी पर आएंगे, सोशियोलॉजी पर आएंगे, ज्योग्राफी पर आएंगे, तो ये इतने सब्जेक्ट मैं आपकी हेल्प करूँगा, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, हालांकि समय कम है लेकिन फिर भी आई विल गाइड यू, ऑलवेज आई एम विद यू, आई एम विद यू भुवनेश माथुर आर एस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोस। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस थ्योरी में, ओहियो यूनिवर्सिटी स्टडीज़ की थ्योरी में सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ये अपने सबॉर्डिनेट्स की भी वैल्यू करते हैं, सम्मान रिगार्ड्स देते हैं उनको। अब मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की हम
स्टडी को करता है, जो कि किसने की थी, रेंजेस लाइकर्ट ने, लीडरशिप पर। क्या बोले, कुछ तो लीडर्स ऐसे होते हैं कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड होते हैं, उन्हें और कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, दैट्स ऑल। कुछ होते हैं कि वो एम्प्लॉयज की या अपने सबॉर्डिनेट्स की फिक्र करते हैं, थोड़ी बहुत ही सही पर करते हैं। अब जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड मैनेजर है, मैं लीडर नहीं बोलूंगा, ताकि आप बिल्कुल स्पष्ट बना लें अपने दिमाग में कि इस चैनल पर मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर की बात हो रही है, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता की नहीं कर रहे। प्लीज़ थोड़ा सा बदलिए। उत्पाद वाले क्या कहते हैं कि इसमें जो है, जो आपके कर्मचारीगण हैं वो क्या समझे जाते हैं कि सिर्फ सुबह आए और शाम को गए, उत्पादन कर दो और अपना अपना रास्ता पकड़ो, और उनके ऊपर कठोर सुपरवाइज़र रहेंगे, कठोर उनका निरीक्षण होगा, कठोर इंस्पेक्शन होगा, कठोर सुपरवाइज़र होगा कि तुम बार बार पानी पीने क्यों जा रहे हो। इस तरह का व्यवहार पहले के समय होता था। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स मैनेजर्स ऐसे मिलेंगे। या कर्मचारी कैसे होंगे, कर्मचारी नेता अधीनस्थों को मानव समझता है, जो मैनेजर है वो क्या समझेगा कि सिर्फ आदमी है, मेरे पास तो ड्यूटी करने आए, दैट्स ऑल। थोड़ा बहुत सुख दुख का ध्यान रखते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करते हैं। एक थर्ड थ्योरी और कर रहे हैं हम, कंटिंजेंसी थ्योरी, आकस्मिक। देखिए, नो वन कैन से कल क्या होगा, अभी क्या होगा, कोई नहीं कह सकता। फेडलर क्या बोले, कंटिंजेंसी थ्योरी आकस्मिक, जैसा जब होगा तब उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कंपनी को क्या करना चाहिए। यहाँ का लीडर क्या होता है, प्रभावशाली होता है। तीन तत्वों पर यहाँ पे निर्भर होती है, क्या चीज़, नेता खुद, उसके सबॉर्डिनेट्स कैसे हैं और परिस्थिति कैसी है। तो यहाँ पे क्या, सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति के हिसाब से मैनेजर डिसीजन लेता है, करना है या नहीं करना है। बहुत फेमस एक कथन याद आ रहा है मुझे, टू बी और नॉट टू बी, कि करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, इधर जाऊँ या इस रास्ते पे जाऊँ। तो दो रास्ते होते हैं, उसमें से एक चूज करना है, एक सेलेक्ट करना है। जब ये तीनों तत्व जो मैंने बोले अभी, के लीडर या मैनेजर बोले, उसके सबॉर्डिनेट्स बोले, परिस्थिति अगर एक सी है, प्रभावशीलता, तो ये मैक्सिमम उसका रिजल्ट लेकर आ जाएंगे। जब ये तीनों तत्व एक से होते हैं, अनुकूल होते हैं, तो मैनेजर अच्छे रिजल्ट लेके आ जाएगा। और जब ये तीनों चीज़ें, कौन सी तीनों, लीडर खुद, सबॉर्डिनेट उसके, और परिस्थिति प्रतिकूल है, तो यहाँ पर ये कंटिंजेंसी थ्योरी में मुझे नहीं लगता कि लीडर अच्छे रिजल्ट लेकर आ पाएगा। सो विद दिस हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ये मैंने आज आपको क्या बताया, लीडरशिप की कुछ थ्योरीज बताई है। आप मैनेजर शब्द ध्यान में रखिए, पॉलिटिकल लीडर नहीं यूज़ कीजिएगा, कभी आप थोड़ा सा भी गलत ना समझें। सो आई एम विद यू भुवनेश माथुर, आरएएस चैनल। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैंने आपको जो सब्जेक्ट बताया इन पर भी आपके पास स्लोली एंड स्लोली वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ। थैंक यू।